नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे सभी वीडियोस को बहुत बहुत पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ और अब मैं और भी ज्यादा ज्ञानवर्धक बातों के साथ वीडियोस को लेके आऊंगा। जैसा कि ये वीडियो है यामाहा के YST-1840 होम थिएटर के 5.1 डॉल्बी ऑडियो की टेस्टिंग के बारे में। जो साउंड आप अभी सुनने जा रहे हैं वो तभी आ सकती है जब हम अपने 5.1 होम थिएटर सिस्टम को सही तरह से लगाएं और उसकी सही तरह से सेटिंग्स को करें। तो इस विषय पे मैंने अपने एक वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है, जिसका की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने इस यामाहा के YST-1840 का एक दूसरा वीडियो भी बनाया है जिसमें आप लोग सुन सकेंगे स्टीरियो यानी कि 2 चैनल से जब 5.1 चैनल में ऑडियो कन्वर्ट होता है तो तब कैसी आवाज का आभास होता है। और साथ ही यामाहा के इस YHT-1840 के सभी साउंड प्रोग्राम्स को भी बदल बदल के दिखाया है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसको वहां से जाके देख सकते हैं। यामाहा के YHT-1840 होम थिएटर सिस्टम की साउंड टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये 5.1 होम थिएटर सिस्टम है तो इसकी साउंड आप लोगों को उतने अच्छे से सुनाई नहीं देगी जितने अच्छे से तब सुनाई देती जब आप खुद इन 5.1 स्पीकर से घिरे होते। लेकिन जैसा कि आप लोगों के पास दो स्पीकर से सुनने का विकल्प है यानी कि आपके हेडफोन या आपका स्टीरियो साउंड सिस्टम, तो मैंने यहाँ साउंड को रिकॉर्ड करने का कुछ इस तरह से सेटअप किया है कि आप लोगों को स्टीरियो में भी एक अच्छी सराउंड साउंड सुनाई दे सके। यदि आप लोग अपने मोबाइल फोन पे इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप लोग अपने हेडफोन्स को पहन लें। अब मैं आप लोगों को इस रिकॉर्डिंग सेटअप के बारे में बताता हूँ। यहाँ मैंने स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग के हिसाब से माइक लगाए हैं जिससे आप लोगों को काफी हद तक एक अच्छे सराउंड साउंड का अनुभव हो सकेगा और आप लोग सही अनुमान लगा पाएंगे इस यामाहा 1840 होम थिएटर सिस्टम की साउंड क्वालिटी का। यामाहा के इस साउंड रिसीवर का वॉल्यूम 0 पे है। 0 पे होने का तात्पर्य यह हुआ कि जो साउंड का सिग्नल टीवी से हमारे एवी रिसीवर में आ रहा है उस साउंड सिग्नल को ये एवी रिसीवर डिकोड करके सीधा एम्पलीफायर तक पहुंचा रहा है बिना घटाए या बढ़ाए। मैंने टेलीविजन के यूएसबी पोर्ट में एक पेन ड्राइव लगाई हुई है जिसमें कि मैंने कुछ वीडियो फाइल्स डाल रखी हैं जिनका की ऑडियो 5.1 डॉल्बी ऑडियो है। जब भी एक नई फाइल प्ले होगी तो आप लोग टीवी के राइट टॉप कॉर्नर में डॉल्बी ऑडियो का लोगो देख सकेंगे, जिसका ये मतलब होगा कि जो वीडियो टीवी पे प्ले हो रहा है उसके ऑडियो की मिक्सिंग डॉल्बी में की गई है। मैं अब एक फाइल को प्ले करूंगा और उसके बाद सभी फाइल्स एक एक करके प्ले होती रहेंगी। तो ये लीजिए, मैं इन्हें प्ले कर देता हूं।
This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape system moved in a scene, move your vehicle on the side of the road. Captures the full extent. Do you want to know my secret? Of nature's fury. क्या आवाज आ रही थी, मैं तो मतलब हिल गया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि साउंड रिकॉर्डिंग के चलते के बीच में अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत बेहतरीन साउंड, बहुत 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 बेहतरीन साउंड आ रही थी। मतलब हर एक चैनल से ऐसा लग रहा था, मतलब अंधेरे में ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि कहीं साउंड किसी स्पीकर से आ रही है। एकदम ऐसा लग रहा था ट्रैवल कर रहा है, इधर कबूतर उड़ रहे हैं, इधर कुछ आवाज आ रही है, कभी पानी गिर रहा है। ओ हो, मजा आ गया। बहुत बेहतरीन होम थिएटर सिस्टम है,
मैं ये कहूंगा कि इन स्पीकर्स के साथ, इन सेटिंग्स के साथ जो मैंने की थी अपने पिछले वीडियो में, आप लोग उस सारी सेटिंग्स को देखें, समझें और फिर उस सेटिंग्स को करने के बाद आप लोग कोई भी फाइल को प्ले करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये साउंड सुन करके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये साउंड पसंद आएगी जब आप लोग अपने घर में इस तरह से सेटिंग करेंगे। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।